गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं 90 के दशक के ये मशहूर हीरो, अब देख लेंगे तो पहचान भी नहीं पाएंगे। वैसे तो बॉलीवुड में कई सुपरस्टार मौजूद हैं, लेकिन कुछ एक्टर ऐसे हैं जो गिनी चुनी फिल्मों में नजर आने के बाद बॉलीवुड से दूर हो गए। वहीं कुछ ऐसे हैं जिनका दबदबा अब तक बना हुआ है। 90 के दशक में अनेकों ऐसे एक्टर थे जो अपने दमदार अभिनय के लिए जाने जाते थे, लेकिन बीते समय के साथ उनकी बॉलीवुड से दूरी बनती गई और एक समय ऐसा आ गया जब वे लोगों की नजरों से हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन जब कुछ समय बाद वे पर्दे पर वापस आए तो लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए कि ये वही एक्टर्स हैं जिनका जादू एक समय में लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। इनमें से कुछ एक्टर ने तो बॉलीवुड से ही दोबारा पर्दे पर एंट्री ली, तो कुछ ने दोबारा लोगों के सामने आने के लिए छोटे पर्दे को चुना। आज के इस पोस्ट में हम आपको कुछ ऐसे मशहूर एक्टर से मिलवाने जा रहे हैं जो कुछ हिट फिल्में देने के बाद हमेशा के लिए गायब हो गए और जब सामने आए तो लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। विवेक मुशरान फिल्म सौदागर का गाना इलू इलू और उसका क्यूट एक्टर तो आपको याद ही होगा। विवेक मुशरान ने सौदागर से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद वह कई फिल्मों में नजर आए लेकिन कुछ खास मुकाम हासिल नहीं कर पाए। उन्होंने कुछ टीवी धारावाहिकों में भी काम किया, लेकिन आज जब आप उन्हें देखेंगे तो पहचाना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वे पहले जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। शादाब खान अमजद खान के बेटे शादाब खान भी फिल्मों में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। शादाब खान ने अभिनेत्री रानी मुखर्जी के साथ फिल्म राजा की आएगी बारात से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन वे अपने पिता की तरह हिट नहीं रहे। अविनाश वाधवन बॉलीवुड और टीवी के जाने माने अभिनेता हैं। वह गीत आई मिलन की रात, मीरा का मोहन, जुनून, दिल की बाजी आदि जैसी कई फिल्मों में नजर आए, लेकिन वह उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए जहां पहुंचना चाहते थे। इसके बाद वह सुपरहिट सीरियल बालिका वधू में भी नजर आए। दीपक तिजोरी भारतीय फिल्म सिनेमा के मशहूर अभिनेता हैं। दीपक ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है, अब वे फिल्में डायरेक्टर भी करने लगे हैं। दीपक को आशिकी, जो जीता वही सिकंदर, अंजाम, कभी हाँ कभी ना जैसी फिल्मों में उनके रोल के लिए आज भी याद किया जाता है। चंद्रचूड़ सिंह बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता हैं। उन्हें फिल्म माचिस के लिए बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। फैजल खान फिल्म मेला में फैजल खान ने आमिर खान के दोस्त की भूमिका निभाई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि फैजल आमिर खान के सगे भाई हैं। हालांकि आमिर और फैजल के रिश्ते अब अच्छे नहीं हैं। हरीश कुमार 90 के दशक में एक मशहूर अभिनेता हुआ करते थे। उनकी पहली हिंदी फिल्म करिश्मा कपूर के साथ प्रेम कैदी थी। इसके बाद वह आदमी, क्रांति क्षेत्र, जवाब, शिपथ, कुली नंबर एक जैसी कई फिल्मों में नजर आए। आज उनका लुक बिल्कुल बदल गया है। कमल सदाना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत काजोल के अपोजिट फिल्म बेखुदी से की थी। इसके बाद वह दिव्या भारती के साथ फिल्म रंग में नजर आए। कमल ने कुछ टीवी सीरियल में भी काम किया। वह जी टीवी के सीरियल कसम से में काम कर चुके हैं। कृष्ण कुमार फिल्म प्रोड्यूसर गुलशन कुमार के छोटे भाई हैं। फिल्म बेवफासनम के लिए लोग कृष्ण कुमार को आज भी याद करते हैं। शरद कपूर बड़े और छोटे पर्दे पर काम कर चुके हैं। साल 1994 में फिल्म मेरा प्यारा भारत से उन्होंने डेब्यू किया था। इसके बाद वह जोश, दस्तक, जानी दुश्मन, लक्ष्य जैसी फिल्मों में नजर आए।